नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जो है शुद्ध शाकाहारी भोजन में। माताओं बहनों को जो है मेरा प्रणाम, भाइयों को भी मेरा प्रणाम। आज जो है हम रेसिपी में दोस्तों देखेंगे दाल का गोझा, इसको हम दाल का पीठा भी कहते हैं, और उत्तर प्रदेश नॉर्थ साइड में जो है इसको फारा भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो है पहले हम लोग जो है दाल को जो है चने की दाल है इसको जो है इसको भिगोएंगे 4 घंटा पहले। थोड़ा सा जो है 4 घंटा में जो है ये फूल जाएगा तो इसको हम लोग पीसते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले दिखा दिया कि इसको जो है भिगो के इस तरह से फूल जाएगा, तो इसको अब हम लोग सिलबट में या किसी चीज़ में मिक्सी में इसको पीसेंगे। और मसाला इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या पड़ता है। गोल मिर्च है जिसको काली मिर्च कहते हैं, जीरा है, काली मिर्च है, हरी मिर्च है, लहसुन, हींग है। हींग देखिए दोस्तों इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, हींग जो है इससे गैस नहीं बनता है इसमें। हाँ, खड़ा धनिया, ये देखिए खड़ा धनिया है, ये अदरक है एक टुकड़ा छोटा सा, और ये जमित्री है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये 5-6 मसाला है, ये नॉर्मल मसाला जनरल मसाला है, ये सामान्य जो है आपको मिल जाएगा कहीं भी। तो इसका प्रयोग करके जो है हम इस डिश को बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप देख रहे हैं जो है दाल को जो है मिक्सी में पीस लिया गया है, और इसमें जो है ऊपर आप देख रहे हैं इस मसाले को भी जो है हमने जो मसाला आपको दिखाया था वो मसाले को जो है दाल में इस तरह से डाल देंगे। अब इसमें ऊपर से आप हल्दी डाल लीजिए, दाल अनुसार दाल की जो मात्रा है उस हिसाब से आप अपने हिसाब से हल्दी की मात्रा जो है थोड़ा सा ले लीजिएगा, उसमें ऊपर से नमक डाल लीजिए। नमक भी जो है आप मात्रा के हिसाब से देख लीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों जो हमने बताया कि चने की दाल को जो है मिक्सी में पीस लीजिएगा। मिक्सी में पीस लेने के बाद आपको इस तरह का हो जाएगा। इसमें जो है हमने जो मसाला बताया था उसमें आप मसाला जो है पीस के डाल देंगे, उसके बाद आप ऊपर से हल्दी और नमक। तो इस तरह से जो है आपका मसाला जो है गोझा का पेठा का जो दाल का पेठा उसका तैयार हो गया। और ये आटा, ठीक है दोस्तों। तो आटा के बीच में जो है इसको भर भर के हम लोग बनाते हैं। आप देखेंगे तो खुद ही आप पहचान जाएंगे ये सामान सा जो ये रेसिपी है ये सभी लोग जो है अपने अपने घरों में बना के खाते हैं, लेकिन नाम जो है अलग अलग होता है। और ये सरल तरीका है लेकिन थोड़ा सा झंझट वाला काम, इसलिए लोग जल्दी नहीं इसको बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो है हम लोग कढ़ाई जो है बैठा चुके हैं। इसमें जो है आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि जो है कढ़ाई आप बैठाएंगे तो इसमें जो है थोड़ा सा आपको किसी चिकनाई पदार्थ जैसे तेल हुआ या कोई भी घी से आप बनाएंगे तो घी जो है हल्का सा आप कढ़ाई में चारों तरफ जो है इसको लगा लेंगे, जिससे जो है जो आपका गोझा है और जो दाल का जो है पेठा है वो जो है चिपकेगा नहीं। अब उसमें जो है थोड़ा सा वो गर्म हो जाएगा तो उसमें जो है पानी डाल देंगे। तो दोस्तों इसी जो पानी है इसी में जो है हम लोग गोझा को जो है बना बना के पीस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से डिजाइन रहेगा दाल को भर के, दाल उसमें भर भर के जो है उसको गड़ गड़ के फिर इसी पानी में जो है इसमें डालेंगे बॉईल करने के लिए। तो आप देख रहे हैं हल्का सा तेल है, हल्का सा तेल इसलिए कढ़ाई में थोड़ा सा डालेंगे ना नाम मात्र का, जो है कढ़ाई में जो है ये चिपके ना। गोझा जो है आटा का होता है ना तो इसमें चिपकता है, तो इस वजह से थोड़ा सा चिकनाई जो है हम लोग लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों जो है हम लोग पेठा को इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से पहले इसको बेल लीजिए आटा के लोइया को छोटा सा, और ये दाल जो है हम लोगों ने मसाला जो बनाया है इसको इसमें जो है रोटी में इस तरह से भर के जो है इस तरह से जो है हम लोग लोइया को बना के इसमें दाल का जो मसाला है उसको भर भर के इस तरह से थाली में रखेंगे। एक बार और देख लीजिए दोस्तों जल्दी से, ये देखिए आप इस तरह से जो है लोइया जो है बना बना के आटा और मसाला इस तरह से जो है इस तरह से बेल लीजिए छोटा छोटा।
हाँ इस तरह से जो है इसको बेल लीजिए, और इस तरह से इसमें मसाला बीच बीच में डाल के इस तरह से आप जो है इसको इस तरह से बना बना के इसका इस तरह से साइज रहेगा, इस तरह से लेंथ रहेगी, इस तरह से आप जो है इसको दबा लेंगे तो आप निकलेगा नहीं, और इस तरह से रख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है इसको तैयार करेंगे, और इसको जो है हम लोग उस कढ़ाई में जो है सीधे डालेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो है ये गल चुका है, इसमें मसाला डाला जा चुका है, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग कढ़ाई में जो पानी डाले थे हम लोग, अब इसमें एक एक करके आप इसको डाल देंगे। इस तरह से जो है आप धीरे धीरे इसको डालिए कि टूटे ना दोस्तों। तो फिर जो है ये बहुत सरल है, इसको जो है आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक तरह से ये बहुत सरल है इसको बनाना, कुछ करना नहीं है, और ये बहुत टेस्टी है, और ये बहुत मतलब फायदेमंद है। तो इस तरह से जो है आप कढ़ाई में जो है इसको डाल लीजिए पानी में, हल्का सा डूब जाए तो इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दीजिए। अब इस पे हम जो है थाली को ऊपर से ऐसे ढक देंगे दोस्तों। जो है इसको 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए, मैं टाइम आपको बता दूंगा कितने देर में बॉईल हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो है गोझा जो है ये बॉईल हो रहा है पानी में, 10 मिनट बीत चुका है, और 5-7 मिनट 10 मिनट और जो है हम लोग देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको खोलेंगे। और देखिए इसके साथ जो है हम लोग चटनी का जो प्रयोग करेंगे, तो चटनी में जो है आप देख रहे हैं टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, ठीक है। इसको जो है हम लोग मिक्सी में पीस लेंगे, और तो धनिया का पत्ता रहेगा, इतने को जो है पीस के जो है इसके संग जो है चटनी का हम लोग यूज़ करते हैं गोझा का। तो आप साथ में मैं चटनी भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसका जो है हम लोग प्रयोग करेंगे, आखिरी में आपको हम बना के दिखाएंगे चटनी को भी। तो इस तरह से मैं अभी अपने बाड़ी को विराम दे रहा हूँ, इसको 10 मिनट बाद हम लोग प्लेट खोल के देखेंगे, फिर आपको हम बताएंगे आगे की बात। तो इस तरह दोस्तों हम अब इसको खोल के देखने जा रहे हैं, इसको जो है। तो ये जो है दोस्तों अब ये बॉईल हो चुका है, तो हाँ तो गैस जो है अब हम लोग बंद कर देंगे इसको। 15 मिनट जो है इसको तोप के दोस्तों अगर आप रख देंगे तो ये बॉईल हो जाएगा। बॉईल हो जाने के बाद इसको 15 मिनट बाद हम लोग इसको इस तरह से निकाल दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो है हमारा जो है गोझा, जिसको आप लोग फारा भी कहते हैं, दाल का पेठा भी कहते हैं, तो हमारा जो है तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं जो इस तरह से है, बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। तो जिस तरह से दोस्तों मैंने बता दिया है, उस तरह से अगर आप कर लेंगे तो ये बहुत ही आप बढ़िया बना पाएंगे। और ये जो है चटनी मैंने आपको जो दिखाया था टमाटर वाली, इस तरह से चटनी, तो इस तरह से आप दोनों को एक साथ खाएंगे तो बहुत बहुत ही दोस्तों टेस्टी और बहुत पौष्टिक चीज़ है। इसको आप ट्राई करें, बड़े बड़े पहलवान पहले इसको यूज़ करते थे, और टेस्ट भी में मतलब बहुत टेस्टी भी लगता है। आप एक बार ट्राई करें फिर उसके बाद बताइएगा। तो दोस्तों जो है हमारा जो है रेसिपी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और साथ में बेल की घंटी जो है उसको दबाइएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन और नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।